तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को विजिट कर रहे हो आफ्टर वॉचिंग दैट कूल अमेजिंग थंबनेल तो इसका मतलब यही है कि आप भी मेरे जैसा फेस ट्रैकर फेस बिल्डर इनफैक्ट कीन टूल्स का बहुत बड़ा फैन हो। तो गाइस इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं अबाउट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ फेस बिल्डर। सो गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो होने वाला है कंप्लीटली हिंदी में, तो जिसका जो भी है डाउट वो होने वाला है क्लियर। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह है 11.3 वाला वर्जन और यह हमारा लोकी वाले भैया जिसको हम लोग आज फेस बिल्डर के वजह से कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। और हाँ गाइस 11.3 वर्जन से याद आया, अगर आप लोग मुझसे भी ये सवाल पूछोगे कि सर आप 11.3 ही की यूज़ कर रहे हो 13 क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, तो गाइस मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस चलता है उस पर मैंने बहुत सारा ढेर सारा बग्स मैंने फेस किया है 13 वाले वर्जन पे, तो इसीलिए मैंने 11.3 जो स्टेबल वर्जन है उसको मैंने सिलेक्ट किया और बहुत अच्छा खासा चलता है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आगे बढ़ते हैं तो ये है कम्प्लीट मेरा फुटेज जिसको मैंने PNG सीक्वेंस में डिवाइड करके रखा है और गाइस ये फुटेज आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके डाउनलोड करो, काम चालू करो, ज्यादा फ्रेम का है नहीं 170 फ्रेम का है। और गाइस अभी हम करने वाले आज फेस बिल्डर के ऊपर डिटेल मतलब डिस्कशंस, कैसे काम करता है, क्या अपडेट्स है इसके ऊपर डिटेल में। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो था जो कि इंग्लिश पे था और वो करीब 1.5 साल पुराना था, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ फीचर्स कम था, तो क्या ऐड हुआ है, क्या फीचर ऐड होने पे क्या बेनिफिट्स है, वो सब हम आज इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो आपको पसंद आने वाला है ये मेरा गारंटी है। तो पहले तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको दिखने वाला है ये वाला ऑप्शन जो कि मैं अभी जाऊंगा कंपोजिट मोड पे, तो यहां पे साइड में आपको दिखेगा जियो ट्रैकर पिन टूल रिग्ड जियो में आता हूं एक एक में डिटेल में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद है फेस बिल्डर, देन है फेस ट्रैकर, देन टेक्सचर बिल्डर इन बीटा एंड देन ब्लेंड शेप्स। तो यहां पे आता है लास्ट ऑप्शन जिसका नाम है ब्लेंड शेप्स। इसके अंदर आप देख सकते हो तीन ऑप्शन है जो कि मेजर ऑप्शन है, एक है जॉइंट ब्लेंड शेप्स, दूसरा है मिक्स ब्लेंड शेप्स और तीसरा है फेसेस। अब इसका ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं पूरा डिटेल कवर अप करने वाला हूं कि क्या है क्या नहीं है, और ये एक्चुअली नया अपडेट है फ्रॉम द स्किन टूल और ये पहले वाले वर्जन में नहीं था, और ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग ये अपडेट है। तो इसके पहले मतलब ये वीडियो जब आएगा तब तो आप लोग जान ही लोगे, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले अबाउट फेस बिल्डर। तो टैप प्रेस करके हम लोग लेने वाले हैं यहां से फेस बिल्डर। अब एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है पहले फेस बिल्डर एंड देन उसके बाद फेस ट्रैकर, दैट मींस आपको पहले फेस बिल्डर यूज करना है उसके बाद आप फेस ट्रैकर यूज करोगे, मतलब जब तक फेस बिल्ड होगा ही नहीं तब तक आपका फेस जो है वो ट्रैक नहीं हो पाएगा। सिंपल फंडा है, इसीलिए उस हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। तो फेस बिल्डर कैसे सिलेक्ट करें, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक है कैमरा, दूसरा है टेक्सचर और तीसरा है बीजी पाइप, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपल इसको जैसे आप कनेक्ट करोगे बीजी ऑटोमेटिकली जो है बीजी का पाइप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ के वर्कस्पेस को कर देता हूँ लार्ज ताकि आप लोगों को भी दिखे कि भैया मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कैमरे का एक पाइप, तो हम यहाँ पे टैप प्रेस करके ले लेते हैं कैमरा, दैट्स इट। और फिर सिंपल कैमरे को कैमरे के साथ करना है कनेक्ट कुछ इस तरीके से। और गाइस यहाँ पे ना जो आपका नोड्स है वो थोड़ा अरेंज करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना एंड में जाके आप खुद ही फंसोगे, फिर बताना मत किया आपने सर बोला नहीं, मैंने आप लोगों को बोला था। ओके गाइस अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे 41 नंबर फ्रेम के, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे जो फेस है ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, मतलब फेस पे कोई मोशन ब्लर नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, तो इसलिए मैं ये फ्रेम को एज इन रेफरेंस फ्रेम चूज कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना जो भी आपका मन मर्जी हो। तो जैसे ही आपको ये सिलेक्ट हो जाता है, हालांकि टेक्सचर में मैं कुछ नहीं यूज़ करने वाला क्योंकि ये कस्टम टेक्सचर की वजह से यूज़ होता है, तो आई डोंट थिंक मेरे हिसाब से इसमें ज़रूरत है। हालांकि फेस बिल्डर बेटर काम करता है अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर का अलग अलग मूवमेंट का फोटो हो, मतलब फ्रंट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो जो मॉडल है ना वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है और जो टेक्सचर बिल्ड होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बनता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा नोट डाउन करके रखना क्योंकि आई डोंट थिंक हिंदी में बना हुआ वीडियो में इतना डिटेल में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है, तो इसी लगे हाथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताओ ज़रूर कि कैसा लग रहा है वीडियो। ओके, अभी इसके बाद आते हैं फेस बिल्डर के कुछ ऑप्शंस पे कि क्या है क्या नहीं है, क्या एड ऑन्स हुआ है। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे फेस बिल्डर पे, आपको यहाँ पे दिखेगा सेंटर जियो, अलाइन फेस, रीसेट शेप्स एंड रिमूव पिंस और रीसेट एक्सप्रेशन जो कि डिजेबल है, उसके बाद रिड्यूस पिंस, कॉपी पेस्ट, ये ऑप्शन है स्टेबिलाइज। अब आते हैं यहाँ पे क्या अपडेट हुआ है,
पहले तो आप सेंटर जियो पहले भी था, अभी भी है। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक मेश दिखेगा, यहाँ पे एक आपको मेश दिख रहा है। सो ये पहले भी था, आपको क्या करना पड़ता था पहले, यहाँ पे हर एक आइस बटन को ऐसे लेके जाके आइस को यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके कस्टम आपको जो है वो आपको ये मॉडल जो है वो बनाना पड़ता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये उस टाइप का प्रोसेस था, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा एडवांस कर दिया है ताकि देखो ये ना एडजस्टमेंट में ही बहुत टाइम चला जाता है और एंड ऑफ द डे आप इसमें फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हो शॉट को। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव पिंस और रीसेट शेप कर देता हूँ और सेंटर जियो कर देता हूँ, इट्स बैक टू नॉर्मल। तो यहाँ पे जो अपडेट आया है दैट इज कॉल्ड अलाइन फेस, इसका मतलब ये है कि आपका फेस सपोज ये डायरेक्शन पे है या ये डायरेक्शन के वॉट एवर जो भी डायरेक्शन में हो, ये अगर अलाइन फेस पे आप क्लिक करोगे तो ये AI जो है ये अपने हिसाब से डिटेक्ट करेगा। देखो आईज के यहाँ पे पॉइंट्स लगा दिया है और नोज के यहाँ पे पॉइंट्स आ चुका है, फेस पे यहाँ पे पॉइंट्स आ चुका है। तो यहाँ पे ना एक बेसिक सा मतलब जो भी है एक बेसिक सा कुछ क्लियरिटी के हिसाब ये एक अपने हिसाब से इसको बना लेता है और फिर आपको इसके ऊपर करना पड़ता है एडजस्टमेंट। रही बात एडजस्टमेंट का, वो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मैं थोड़ा ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूँ। तो अलाइन फेस हो गया खत्म। इसके बाद जैसे कि आपने उस टाइम भी देखा मैंने रिमूव पिंस को जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये पिंस जो है फिर रिमूव हो जाता है। अब पिन से याद आया, ये पिन बेसिकली वही चीज़ है जैसे कि अब पपेट ट्रैप टूल है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स पपेट ट्रैप था, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर पिन यहाँ पर लग गया मतलब वो एरियाज जो है वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, सिंपल है। उसके बाद रिड्यूस पिंस, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पिन हो गया, अननेसेसरी पिंस में क्या होता है आपका जो मॉडल है वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, तो आप इसको वहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद कॉपी पेस्ट, मतलब यही पिंस को आप कॉपी करके किसी दूसरे की जगह पेस्ट कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अब आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टेबलाइज्ड व्यू। अगर ये स्टेबलाइज्ड व्यू का ऑप्शन आपने पहली बार देखा है इसका मतलब यही है कि अब अपडेटेड वाले वर्जन पे हो, क्योंकि पुराने वाले वर्जन पे स्टेबलाइज्ड वाला ऑप्शन नहीं था। इसका बेटर यही है कि मतलब इसका प्लस पॉइंट यही कि अगर आप ट्रैक करते हो, जो भी लोग ट्रैकिंग जानते हो उनको पता होगा कि ट्रैक हम लोग स्टेबलाइज करके ही चेक करते हैं, तो ये बेटर होता है जैसे आप स्टेबलाइज कर दोगे कि आपका ट्रैक जो है पोजीशन एग्जैक्ट है या नहीं है, व्हाटएवर। उसके बाद आता है की फ्रेम्स, जो भी की फ्रेम्स आप लोग देख सकते हो, नंबर ऑफ की फ्रेम्स मतलब कितने सारे की फ्रेम्स हमने डाले हैं वो वहां पे शो करेगा, ये वही की फ्रेम्स में इसको जंप कर करके लेके जाएगा, दैट्स इट। अब आते हैं हम फेस बिल्डर के मेन प्रॉपर्टीज पे। तो पहले आता है मॉडल, उसके नीचे आप पहले ही शो करेगा नॉन नेचुरल एक्सप्रेशंस, मतलब सपोज आपके पास कोई ऐसा कैरेक्टर हुआ जिसका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा एबनॉर्मल है, थोड़ा अनयूजुअल है, तो आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, या फिर वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन हालांकि नॉर्मल नहीं है, मतलब हंसी रोना कुछ अलग ही एक्सप्रेशन दे रहा है, तो आप ये नॉन नेचुरल एक्सप्रेशन को क्लिक कर देना। मेरा ये मानना है कि आप इसको हमेशा चेक कर दो, क्योंकि क्या पता जब लोग बात कर रहे हो, हालांकि ये तो AI है ऑटो डिटेक्ट करता है, तो इसको भी नहीं पता भाई मैं कर क्या रहा हूँ, तो इसके लिए आप ये नॉन नेचुरल एक्सप्रेशंस को ऑन कर दे, ये बेटर है। इसके बाद आता है टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज मतलब जो भी आप मेश यहाँ पे देख रहे हो ये फिलहाल हाई मेश पे है, अगर आप यहाँ पे इसको ऑन करोगे यहाँ पे आ जाएगा मिड पॉली लो पॉली। जैसे मैं मिड पॉली पे क्लिक करूंगा देखा ये जो पॉली है रिड्यूस हो गया, और अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये और ज़्यादा लो पॉली में हो जाता है। सपोज कभी कभार किसी को सिर्फ मूवमेंट चाहिए फेस पे कुछ प्रोजेक्शन करने के लिए, तो बेटर है कि आप यहाँ से जो मिड पॉली है वो यूज़ करो, काम बन जाएगा। बट मैं हाई पॉली यूज़ करता हूँ बिकॉज मेरा सिस्टम जो है वो उसको खींच पाता है, मेरा रैम उसको ले पाता है। इसके बाद आता है यूवी प्रोजेक्शन। जैसे कि आप लोग देखोगे थोड़ी देर बाद मैं यूवी प्रोजेक्शन को यूज़ करूँगा, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, स्फेरिकल, बटरफ्लाई, तो यहाँ पे बटरफ्लाई बाय डिफॉल्ट है, आई प्रेफर कि इसको बटरफ्लाई ही रहने दे तो बेहतर है। उसका रीज़न आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप खुद इसको करोगे। इसके बाद आता है अलग अलग ऑप्शंस। तो उससे पहले मैं इस शेप को जो है वो थोड़ा एडजस्ट करने वाला हूँ। कैसे? तो जैसे कि आप देख सकते हो कान अपनी जगह पे फिलहाल है नहीं, तो मैं सिंपल अभी कान का कोई भी एक जगह को एक पकड़ूंगा, जैसे इसको ऐसे ऐसे ड्रैग करने पे अभी कान जो है अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहा है, हालांकि एक्यूरेट मैच नहीं होगा 100%, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। तो मैं बस अभी सिंपल अपने हिसाब से मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैंने इसको पहले करके रखा है, मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस, और ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। थोड़ा टाइम लगेगा बट आई डोंट थिंक कि इस पर ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ऑलरेडी जो AI है ये आपको ये ऑटो डिटेक्ट करके जितना भी आउटपुट दे रहा है दैट इज़ मतलब इनफ, बहुत ही इनफ है। तो मैं इसकी जस्ट नेक को ऐसे एडजस्ट कर दिया, और आपका जो ये चिक एरिया है इसको भी थोड़ा सा से एडजस्ट कर दिया, और ये जो गर्दन है अपना अपनी जगह पे आ गया, बस खत्म। इसके बाद आपका जो मेन फेशियल है वो हो चुका है रेडी फॉर द बेटर ट्रैक।
अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जैसे कि सपोज आपको आईज नहीं चाहिए, आईज ब्लिंक हो रहा है ज्यादा, आपको आईज पे कोई काम है नहीं, तो सिंपल आप यहां से कर सकते हो आईज को ऑफ। जैसे आप ऑफ कर दोगे देखो आईज जो है वो बंद हो गया। इसका बेटर क्या है, मतलब प्लस पॉइंट क्या है, देखो आईज जब ब्लिंक हो रहा है मतलब वहां पे ट्रैक थोड़ा हिलेगा, डेफिनेटली हिलेगा, तो उसको फिक्स करने का फिर आपको झंझट नहीं रहा, क्योंकि अगर आप आईज पे कुछ करोगे तो ही आप आईज को चेक इन करो। उसके बाद आता है ईयर्स, जैसे कि मेरे को भी यहां पे ईयर्स का ज्यादा जरूरत है नहीं तो मैं ईयर्स को भी कर देता हूं बंद। उसके बाद अलग अलग पोर्शन है, जैसे जॉ लाइन्स, मुझे अगर सपोज सिर्फ अपर फेस के में कुछ करना है तो मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ पे नेक जो है वो नहीं चाहिए, नोज है ऑब्वियसली मुझे चाहिए और स्कल्प मुझे नहीं चाहिए, तो एग्जैक्टली मुझे जो फेस का जो ये वाला हिस्सा है मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये रख रहा हूँ। इसका अगेन प्लस पॉइंट नहीं है कि आपका जो ट्रैक है वो और भी ज़्यादा बेटर हो गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड कैमरा। अगर आपको पता है कि आप कौन सा कैमरे पर शूट कर रहे हो, उसका फोकल लेंथ वगैरह वगैरह क्या है, तो आप यहाँ से फिक्स्ड फोकल लेंथ या फिर वेरीफाइंग फोकल लेंथ को यूज कर सकते हो। इस पे बेटर होगा क्या, आपका कैमरे के साथ जो फोकल लेंथ आप सेट करोगे आपका जो ट्रैक है वो भी एक्यूरेसी का हिस्सा लेगा, बट अगर आपको नहीं पता है देन लिव इट जस्ट लाइक दिस। उसके बाद आता है अलग अलग शेप एक्सप्रेशन, जो कि अलग आप चेंज कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट इसको चेंज करोगे तो शायद ट्रैक हिल सकता है, फिर मेरे को मत बोलना, तो मैं इसको डिफॉल्ट ही छोड़ता हूं। ये जो ट्रांसलेशन है ये पिन का ट्रांसलेशन है, जो जहां पे जिस पोजिशन पे है वो यहां पे शो करता है। उसके बाद आता है फिक्स्ड, मतलब ये ग्लोबली फिक्स्ड है, मतलब अगर आपको रोटेशन एंड इन एक्स एक्सिस को फिक्स चाहिए तो आप रोटेशन इन एक्स को फिक्स कर सकते हो, देन रोटेशन इन वाई एक्सिस को फिक्स कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबली फिक्स्ड ऑप्शंस, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, थोड़ा इस पे आरएनडी करना आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड स्केल, इट्स कंप्लीटली स्केल होता है, मतलब ओवरऑल ग्लोबली स्केल होता है, यहां पर देख सकते हो। ग्लोबली इनपुट स्केल, मतलब आप अगर चाहते हो कि आपका मॉडल थोड़ा छोटा दिख रहा है, आपको बड़ा करना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आता है आउटपुट ट्रांसफॉर्म जियोमेट्री, इसमें मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में आपको दिखेगा यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म जियो, जियो मीन्स जो मॉडल आपको दिख रहा है यहां पे मेश, अगर आप टैप प्रेस करते हो तो आप 3-dimensional व्यू में जाके देख सकते हो, आपको ये मेश दिखेगा, तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसको यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो। हालांकि हम लोग यहां से फेस ट्रैकर को यूज करने वाले हैं, इसको ट्रांसफॉर्म जियो को एक्सपोर्ट ना करके। देन आप एक्सिस को एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैमरे को एक्सपोर्ट कर सकते हो और ट्रांसलेटेड कैमरा को एक्सपोर्ट कर सकते हो आफ्टर ट्रैकिंग व्हाटएवर, तो बहुत सारे ऑप्शन है। और इसके बाद आते हैं एप्रेजेंस, यहां पे आपको मिलेगा वायर फ्रेम ओपेसिटी, अगर आप इसको कम ज्यादा करते हो तो जो वायर फ्रेम है यहां पे जो मेन फेस पे दिख रहा है, हालांकि 3D में नहीं दिखेगा ये 2D पे दिखेगा, तो इसका जो डेंसिटी है बढ़ेगा कम होगा। फिर आता है कलर्स, अगर आप चाहते हो यूज टेक्सचर के ऊपर इसको शो करे तो ऐसे कलर्स अलग अलग हिसाब से दिखेगा, बट चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आई डोंट थिंक आपको जरूरत है। जैसे कि अगर मैं कलर को यहां पे चेंज करता हूं जस्ट फॉर द एग्जांपल, आप देख सकते हो सिंपली जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हाँ लाइसेंस पे आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो दिस वीडियो इज कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय कीन टूल्स एंड आई हैव 150 डेज लेफ्ट द लाइसेंस, सो अगर आपको इसको परचेज करना है ऑब्वियसली परचेज कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन 30 डेज का जो ट्रायल वर्जन मिलता है दैट इज कंप्लीटली इनफ। अगर आपके हिसाब से आपको शोरील बनाना है, आपका काम के लिए फेस ट्रैकर को चाहिए, तो डेफिनेटली 30 डेज के लिए इसको कंप्लीटली फ्री में यूज करो। आई सजेस्ट कि 30 डेज भाई बहुत होता है। ओके गाइस, इसके बाद जो है मेरा फेस बिल्डर का जो भी प्रॉपर्टीज था वो हो चुका है खत्म। अब आपको मैं थोड़ा बहुत फेस को बिल्ड करके उस पर टेक्सचर अप्लाई करके एक बार आपको दिखा देता हूं। सो इसके बाद आपके पास एग्जैक्टली 2 ऑप्शन है, आप यूवी प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हो या फिर प्रोजेक्ट 3D नोड को यूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहां पे प्रोजेक्ट 3D जो नोड है उसको करने वाला हूं यूज, तो सिंपल टैप प्रेस करो और यहां पे लो PROJECT प्रोजेक्ट 3D और यहां पे सिंपल इसके यहां पे जैसे कनेक्ट कर दो। सिंपल अभी कैमरे के साथ करना है, कैमरे को कनेक्ट और इसको यहां पे लेके आना है, दैट्स इट। अभी इसके बाद हम लेने वाले हैं यहां पे अप्लाई मटेरियल, तो जैसे आप अप्लाई मटेरियल लेते हो यहां पे देख रहे हैं एक मटेरियल का ऑप्शन है, एक दूसरा आउटपुट का ऑप्शन है, सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो आउटपुट जा रहा है यहां पे ये बेसिकली जाएगा अपने इमेज के साथ, तो आप यहां पे एक लो डॉट यहां पे इसको यहां पे साथ कनेक्ट करो और फिर ये इनपुट को इसके साथ थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो अपना प्रोजेक्ट 3D जो नोड है वो हो चुका है कनेक्ट। अभी ये यहां पे जाएगा कनेक्शन में और यहां पे होगा फाइनल अप्लाई मटेरियल। तो सिंपल अभी क्या करना है, मटेरियल को करना है प्रोजेक्ट 3D के साथ कनेक्ट और ये ऑप्शन को करना है अपना फेस बिल्डर के ऊपर कनेक्ट, दैट्स इट। अब अगर आप यहां पे आते हो आपको दिखेगा ये मेश यहां पे शो हो रहा है इन 3D स्पेस और अब जाके फेस बिल्डर पे डबल क्लिक करो और आउटपुट ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री को कर दो चेक, दैट्स इट। जैसे ही आप इसको कर दोगे आप देख सकते हो आपका जो 3D मेश है वो हो चुका है रेडी। अब आता है यहां पे एक दो पॉइंट्स, अगर आप चाहते हो कहां पे कैसे प्रोजेक्शन हो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि फेस बिल्डर के यहां पे मैं स्कल्प को कर देता हूं ऑफ, तो दिस इज माय लोकीज फेस। अगर आप
आइज को ऑन करते हो तो आपको दिख सकता है ये पूरा 3D मॉडल। बाकी इसको ऑन करोगे तो भी आपको एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब देख सकते हो इसका प्रोजेक्शन थोड़ा स्ट्रेच्ड है, तो प्रोजेक्ट 3D नोट पे जाओ, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑन बोथ साइड हो रहा है। अब इसको कर दो सिंपल फ्रंट पे प्रोजेक्शन, तो आप देख सकते हो अभी सिंपल जो फ्रंट पोस्ट पे है वहीं पे हो रहा है प्रोजेक्शन। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ट्रैक करके फेस पे वगैरह वगैरह टेक्सचर वगैरह डालना, एवरीथिंग जो कि हम फेस ट्रैकर वाले ट्यूटोरियल पे कवर अप करने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए था ये वीडियो कंप्लीटली इतना ही। अगर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन पसंद आया वो भी हिंदी में, तो डेफिनेटली भाई कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड जोन में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। और अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया है जहां पे मैं ये सारे वीडियोस का अपडेट देता रहता हूं, तो डेफिनेटली जाके कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले हफ्ते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो और देखते रहो VFX World।